हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कृषि रसायन में लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया। इसमें टॉपिक अपना चल रहा था मृदा पीएच का महत्व। इसका अपन पार्ट बी, जिसमें 3 बिंदु अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे और शेष 3 बिंदु आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। चौथा बिंदु है आपका पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव, पीएच का भौतिक गुणों पर प्रभाव और पीएच का घासों पर प्रभाव। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बेटा, ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर इसको पूरा डिटेल में पूछ लिया जाता है कि मृदा पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव क्या पड़ता है। 3 बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना। नंबर 1 है पोषक तत्वों वाला, इंपोर्टेंट है। नंबर 2 सूक्ष्म जीव वाला, ठीक है। और नंबर 3 है पादप रोग वाला। ये तीनों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इन तीनों का पीएच के कारण क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, तीनों में से कोई भी फिल्म। इसलिए पेपर आप उठा के देख लीजिए। आपके सिलेबस से 2 पेपर हो चुके हैं, उन दोनों पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नहीं आएगा तो वो आपकी बार जरूर आए। 3 बिंदु है, इन तीनों में से एक अपना आ रहा है आपका कौन सा पादप। देखिए बेटा, फिंगर और टोरो, इसकी बात करते हैं अपन। फिंगर और टोरो जो कौन सी में होता है आपका क्रूसीफेरी, इसमें होता है आपका क्रूसीफेरी जो फैमिली है जिसमें सरसों वगैरह आती है उनमें अधिकतर होता है, जो क्या करता है आपके पास में अम्लीय मृदा में अधिक तीव्रता से फैलता है। अम्लीय मृदा में क्या होता है, अधिक तीव्रता से फैलता है। इसका मतलब क्रूसीफेरी परिवार के जो पौधे हैं, फसल है, उसको अपन ऐसी मृदा में ना करें जो मृदा क्या है आपकी अम्लीय, राइट। तो अम्लीय मृदा में क्रूसीफेरी परिवार के फसल करने पर कौन सा रोग हो जाता है, फिंगर और टो रोग हो जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन, पोटेटो स्केप जो रोग होता है वो आलू का चर्म रोग होता है, राइट। जैसे अपने हो जाता है कुछ भी चर्म रोग, वैसे ही पोटेटो स्केप आलू का क्या होता है, चर्म रोग होता है, राइट। ये क्षारीय और उदासीन मृदा में अधिक होता है, क्षारीय और उदासीन मृदा में अधिक होता है। बात करें बेटा, दूसरा होता है आपका ग्रे फ्लेक भूरा धब्बा रोग, इसका बात करते हैं। ग्रे फ्लेक भूरा धब्बा रोग जो जई में होता है स्पेशली, उसमें जाता है एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है आपका। किसमें होता है बेटा, ये जई में होता है और ये मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। इससे होता है मैग्नीज तत्व की कमी से होता है और ये उदासीन मृदा में क्या होता है, अधिक मात्रा में फैलता है। नेक्स्ट है आपका गेहूं में टेक होल्ड रोग, गेहूं में टेक होल्ड रोग जो कवक की उपस्थिति से होता है, ये हल्की क्षारीय मृदा में अधिक मात्रा में फैलता है। तो यहाँ पर अपने पास में कौन से रोग दिए हुए हैं, फिंगर और टो रोग, कौन सी मृदा में ज्यादा होता है, अम्लीय मृदा में, कौन से परिवार में होता है, क्रूसीफेरी परिवार, कौन से परिवार में होता है बेटा, ये क्रूसीफेरी, सरसों वगैरह जो फसलें होती है इनमें ये ज्यादा पाया जाता है। पोटेटो स्केब रोग आलू का कौन सा रोग है, चर्म रोग है, क्षारीय उदासीन मृदा में ज्यादा होता है। ग्रे फ्लेक भूरा धब्बा रोग जई में पाया जाता है, ये मुख्यतः मैग्नीज की कमी से होता है, क्षारीय उदासीन मृदा में अधिक होता है, उदासीन मृदा में। गेहूं में टेक होल्ड रोग कवक के कारण होता है, हल्की क्षारीय मृदा में अधिक होता है। इसका मतलब जिस मृदा में ये अधिक होता है ऐसे पौधों को इन मृदा में उगाना नहीं चाहिए, इससे इनमें ये रोग हो जाते हैं। अब सेकंड बिंदु आता है पीएच का भौतिक गुणों पर प्रभाव। भौतिक गुणों का मतलब क्या है, अपने पास में मृदा अगर बाधित है, दानेदार है, उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक है, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगी, अम्लता की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मृदा क्या है, बाधित है, वायुदार है, उसमें वायु की मात्रा अधिक है, दानेदार है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, अम्लता तो क्या होगा, विघटन होगा, विघटन होगा तो वहां पर अम्लता बढ़ जाएगी। और अगर बारीक कण है, क्षारीय मृदा है, बारीक कण है, उस
उसका क्या होगा, मृदा अपरदन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, क्षार होने पर उसमें निक्सालन की क्रिया होती है। क्या होती है मतलब उसमें निक्सालन की क्रिया होती है। और भौतिक गुणों के लिए जो पीएच का मान है कितना दिया गया आपका 7 दिया गया है, पीएच का मान कितना दिया गया आपका 7 दिया गया है। तो इस तरह से इन भौतिक गुणों के आधार पर अपन पीएच को समझ सकते हैं कि मृदा वातित है, दानेदार है, तापीय पदार्थ है, तो उससे क्या होगी मृदा की पीएच का मान बढ़ जाएगा। और सारे मृदा के बारीक कण होने से मृदा अपरदन क्या होगा ज्यादा होगा। आपने देखा होगा बारीक मिट्टी बारिश के पानी के साथ ज्यादा बढ़ती है। तो अगर सामान्यतः बात करें तो इन भौतिक गुणों के लिए सामान्य पीएच का मान क्या होता है 7 होता है। लास्ट होता है पीएच का घासों पर प्रभाव। जो घास होती है वो अधिक अम्लता उत्पन्न करती है और सामान्यतः घासों का ज्यादा प्रभाव पीएच पर नहीं पड़ता है। अतः अपन कह सकते हैं कि इन सब कारकों से क्या होती है आपकी पीएच द्वारा प्रभावित होते हैं। और इस तरह से अपन इन 6 बिंदुओं से 2 क्लास में इन कारकों का अपन ने अध्ययन किया है, जिनमें से आपके पोषक तत्व, सूक्ष्मजीव और पादप रोग के 3 बिंदु आपके महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में होगा। इसको आप तरीके से समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।